तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो नीड फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेज या हार्मफुल सब्सटेंसेज भी होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत होती है स्टूडेंट्स, नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, हम मर भी सकते हैं। तो उनको बाहर निकालने के लिए ही एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत होती है। तो मैं आपको पहले ये बताता हूं कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेज या वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में आते कहां से। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, उनका पहला सोर्स तो खुद फूड ही है। तो ऐसे तो फूड हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे हमें सारा न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन जब हम कुछ खाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी होती हैं जो हमारे बॉडी के काम की नहीं है या फिर हार्मफुल भी हो सकती है। तो उनको अगर हमने खा लिया है तो अब बाहर भी निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट। सो फूड इज वन सोर्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। सेकेंड सोर्स जो है स्टूडेंट्स, दैट इज बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, आपको बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा भी है एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा है, उसमें देखा कि एंजाइम्स कैसे रिएक्ट वगैरह करते हैं। तो इन सब रिएक्शंस में कई बार ऐसे सब्सटेंसेस बन जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए काम के नहीं है, तो उनको भी बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। आपको समझ में आई बात स्टूडेंट्स? तो हम लिख सकते हैं कि नीड फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। पॉइंट नंबर वन, टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी सच एज सम सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? सो देखें, कुछ सॉल्ट्स को बाहर निकालना होता है स्टूडेंट्स। ये वो सॉल्ट नहीं है जो हम खाते हैं स्टूडेंट, आपको केमिस्ट्री में शायद देखा होगा कि सॉल्ट्स बहुत टाइप के होते हैं, तो ये दूसरे टाइप के सॉल्ट्स की बात हो रही है। एंड देन फोकस ऑन दिस नाइट्रोजन कंपाउंड्स यूरिया एंड यूरिक एसिड। हमारे बॉडी के लिए ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स काम के नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको निकाल रहे होते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये कंपाउंड्स एज सच बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, इसलिए इनका फर्टिलाइजर्स बनाने में बहुत यूज होता है स्टूडेंट्स। समझ में आई बात? ठीक है, अब दूसरा जो यूज है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर टू, टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हम ज्यादा पानी पी लेते हैं, कभी कम वाटर पी लेते हैं। तो बॉडी में कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल कर सके, राइट। आपने देखा होगा कि अगर हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उस दिन हम बहुत ज्यादा यूरिन करते हैं, राइट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में, जैसा कि हम इस चैप्टर में देखेंगे भी। सो नाउ इट्स टाइम टू सी द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये सारे ऑर्गन्स आप देखें, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, और ये हमारी बॉडी में कहां पर होते हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। इसकी बात और डिटेल में हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले फोकस करते हैं इन ऑर्गन्स का नाम क्या है स्टूडेंट्स। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टूडेंट्स, वो है ये, और इसका नाम है स्टूडेंट्स किडनी, और दे आर टू इन नंबर, एंड यू कैन सी दैट इज बीन शेप्ड। स्टूडेंट्स, जैसे देखो हमारे बॉडी में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनका बड़ा नाम है, जो बड़े प्रसिद्ध है, पॉपुलर हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, वैसे स्टूडेंट्स किडनी भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी आदमी की किडनी खराब हो जाए तो ही मे इवन डाई। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज और आप देखें कि ये जो दोनों किडनीज हैं वो डिफरेंट हाइट बनाई गई है, तो ये डायग्राम में कोई गलती नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है, दोनों का हाइट थोड़ा अलग होता है बॉडी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप देखें, दोनों किडनी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नीचे आ रहा है, उसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। और वो दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में एंड कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, और ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसा कि इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर देयर इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? So these are the main organs of excretory system. उसके अलावा students, we can study about these blood vessels. तो students, आप देखो ये जो blood vessel है जो oxygenated blood लेके आ रहा है, kidneys को actually oxygenated blood दे रहा है, वो है aorta artery. उसके बारे में students हम already पढ़ चुके हैं circulatory system में। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है जो deoxygenated blood kidney से ले जाने वाला है students, वो है inferior vena cava. समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? इन सब के बारे में हम पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत डिटेल में देख चुके हैं स्टूडेंट्स, और आप देख सकते हैं कि ये आर्टरी और ये जो वेन है स्टूडेंट्स, वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, बिकॉज वी हैव टू किडनीज, तो दोनों में उनको जाना है, और उनको फिर बोलते हैं रेनल आर्टरी या रेनल वेन। रेनल वर्ड का मतलब ही होता है किडनी, तो इनको कई बार किडनी वेन या किडनी आर्टरी भी बोल सकते हैं फॉर सिंपलिसिटी। समझ में आई बात? तो अब ध्यान देते हैं इस डायग्राम की तरफ, और आप इसमें देखें कि जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कहां पर होता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो एब्डोमेन में होता है।
ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये पीछे की तरफ होता है, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सबके पीछे होता है, पीछे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। सो डॉर्सल एब्डोमेन में होता है, पीछे की तरफ। तो मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर, खासकर किडनी की बात करें तो वो कहीं यहां पड़ोगे, लेकिन पीछे पीछे, टुवर्ड्स बैक स्ट्रेंथ। तो हम यहां पे देखेंगे पूरा का पूरा स्क्रीटरी सिस्टम काम कैसे करता है। तो उसके लिए आपको इस एओर्टा आर्टरी पे ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट्स। सो आप देखिए क्या होता है कि ये जो एओर्टा आर्टरी है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होकर दोनों किडनीज में जाती है। जैसे इस किडनी की अगर हम बात करें, दोनों में एक ही चीज होता है, तो इसकी बात करते हैं। तो ये आर्टरी यहां पे आके बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड होती है और फाइनली वो कैपिलरीज बनाते हैं, कैपिलरीज बनाते हैं। तो उनका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया, बाद में डिटेल भी देखेंगे। फिर वो कैपिलरीज मिलके वेन्स बनाती हैं और वही वेन जो है वो रेनल वेन से कंबाइन होती है और फिर वेना कावा से कंबाइन होती है। ठीक, तो ब्रीफली आपको समझ में आया अंदर किडनी के क्या स्ट्रक्चर होता है कि जो आर्टरीज थी वो कैपिलरीज में डिवाइड हुई और फिर वो वेन्स में मिल गई। ठीक, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इस आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब काम की चीज, उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन स्टूडेंट्स उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी होता है, इसलिए इस ब्लड को डर्टी ब्लड भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको तो पता है कि ब्लड जो है पूरे बॉडी में हमारे घूमता है, तो पूरे बॉडी में घूमते घूमते वो सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है, जो भी बॉडी के पार्ट्स में वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो वही ब्लड जो है वो यहां पे आया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो ध्यान दें, इस ब्लड में ऑक्सीजन है जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत सारा डर्टी सब्सटेंस भी है जिसको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है। ठीक, तो वो ब्लड जो है आप समझ सकते हैं कि किडनी के अंदर आता है, उस किडनी के अंदर भी जाता है, दोनों में सेम ही कहानी होती है, हम इसकी बात करते हैं। ठीक, तो वो ब्लड जब कैपिलरी से क्रॉस होता है तो यू कैन अंडरस्टैंड अब कि क्या होता होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ चुका है। तो क्या होता होगा आप ही बताएं मुझे, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर किडनी में आ जाता है, बाहर आ जाता है, और किडनी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो उस कैपिलरी में अंदर चल जाता है। और आप समझ सकते हैं कि अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेना कावा के थ्रू चला जाएगा यहां से, राइट। अच्छा, ये ऑक्सीजन जो निकला और कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर गया वो तो कहानी आपको समझ में आ रही होगी, वो सब एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो यहां पे किडनी के भी जो सेल्स हैं वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उसके लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, और उसी एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि इन कैपिलरीज में चला गया है और फिर यहां से निकल गया। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? ठीक, राइट। नाउ हमारे लिए जो काम की बात है वो कोई दूसरी है, वो क्या है कि जो ये ब्लड आया जब वो कैपिलरीज से पास हो रहा होता है स्टूडेंट्स, तो उसी टाइम उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी डिफ्यूज होके बाहर आ जाता है, वो भी यहां से बाहर निकल जाता है, ब्लड से सेपरेट हो जाता है, और फिर यहां से जो ब्लड वेन के थ्रू बाहर निकलेगा आप समझ सकते हैं कि उसमें वेस्ट मटेरियल नहीं होगा, राइट। तो वो ब्लड कैसा है स्टूडेंट जो यहां से निकलेगा, वो क्लीन ब्लड है। वो कैसा है? क्लीन ब्लड है, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है वो यहां पे छोड़ दिया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। अब देखो आगे क्या होता है, आगे की कहानी बड़ा आसान है समझना, आप समझ लोगे कि जो वेस्ट मटेरियल यहां पे ब्लड ने छोड़ दिया है वो यूरेटर के थ्रू, इस पाइप के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, इधर से भी वही होगा। फिर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो मसल का स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको पहले बताया मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, तो वो इस यूरिन को स्टोर करता जाता है, स्टोर करता जाता है, जैसे जैसे ये स्टोर करता है इसका साइज बढ़ता जाता है, ये बल्ज होता जाता है। ठीक, लेकिन जब ये काफी अमाउंट में स्टोर कर लेता है यूरिन को, तो हमें अर्ज आती है कि हम टॉयलेट जाएं, हम टॉयलेट जाते हैं, ये यूरेथ्रा वहां पे ओपन होता है और जो यूरिन है बॉडी से बाहर आता है, राइट स्टूडेंट, समझ में आई बात? अच्छा, मैं आपको एक और चीज यहां पे बताऊं कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नर्वस सिस्टम के बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो हमारा ब्रेन होता है, थोड़ा सा आपको समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये यूरिनरी ब्लैडर काफी भर जाता है तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑर्डर भेजता है यहाँ पे, क्योंकि नाउ यू आर फुल, नाउ इट्स टाइम टू पास यूरिन, तो ये यूरिथ्रा ओपन होता है और यूरिन जो है बाहर निकलता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यूरिन को स्टोर करता है, अगर ये स्टोर नहीं करता तो क्या होता, जो भी यूरिन यूरेटर से आ रहा है वो कंटिन्यूसली बॉडी से निकलता रहता हर टाइम, विच इज नॉट अ वेरी डिजायरेबल सिचुएशन, राइट। ठीक है, तो इसलिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
तो यहाँ पे आपको ओवरऑल कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या होता है। बड़ा सिंपल है, ब्लड जब कैपिलरी से पास करता है तो वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे छोड़ देता है और फिर ब्लड यहाँ पे चला जाता है, वो वेस्ट मटेरियल इधर से नीचे आके बॉडी से बाहर निकलता है फ्रेंड्स, राइट। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये जो प्रोसेस है कि कैपिलरी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकला, उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें किडनी का इनर स्ट्रक्चर थोड़ा देखना पड़ेगा, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने यहाँ पे बनाया है। तो अब देखिए किडनी के अंदर क्या होता है कि जो आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होती है स्टूडेंट्स, राइट, होती है। वैसे ही जो वेन है जो ब्लड ले जाती है उसके भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं किडनी के अंदर। और स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये जो यूरेटर है वो भी बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड हो गया होता है किडनी के अंदर, और दोनों किडनीज में एक ही सीन होता है, राइट। समझ में आ रही बात? अब जो मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स, उसको ध्यान से सुनेंगे। किडनी के अंदर निफ्रॉन नाम का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ किडनी। हम बोल सकते हैं दैट इज एक्चुअली यूनिट ऑफ किडनी, हम चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स किडनी में, दोनों ही किडनी में बहुत सारे निफ्रॉन्स होते हैं। जैसे एक निफ्रॉन की हम यहां पे बात करते हैं स्टूडेंट्स की उस निफ्रॉन में क्या हो रहा होता है, वही मेन चीज है किडनी के अंदर का। तो जो आर्टरी है स्टूडेंट्स, वो इस आर्टरी के जो एक ब्रांच है वो इस निफ्रॉन के अंदर जाता है और वहां पर वो कैपिलरीज में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको यहां पर ही बताया था, ठीक है। तो निफ्रॉन के अंदर ही वो ब्रांच जाके कैपिलरीज में डिवाइड होता है और फिर निफ्रॉन के अंदर ही वो कैपिलरी जो है ज्वाइन करके वेन के किसी ब्रांच से मिलती है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। आपको समझ में आ रहा है यहां पर क्या होगा कि ब्लड जब यहां से पास होगा इन कैपिलरीज से, निफ्रॉन के अंदर इन कैपिलरीज से, तो वेस्ट मटेरियल को यहां छोड़ जाएगा। समझ में आई बात? तो निफ्रॉन में जो ब्लड आया वो कैसा ब्लड आया? डर्टी ब्लड, डीबी मतलब डर्टी ब्लड। और जो ब्लड यहां से जा रहा है वो कैसा ब्लड है स्टूडेंट्स? क्लीन ब्लड। समझ में आई बात? अच्छा, अब ये जो वेस्ट मटेरियल इस निफ्रॉन में छूट गया है वो अब बाहर कैसे निकलेगा बॉडी से? तो जो मैंने आपको बताया था कि यूरेटर के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, तो कोई ना कोई एक ब्रांच इस निफ्रॉन तक भी पहुंच रही होगी। वो ब्रांच जो है उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर लेगी, तो वो वेस्ट मटेरियल उस ब्रांच के थ्रू यूरेटर में आएगा और फिर नीचे जाएगा और बॉडी से बाहर निकल पाएगा। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? और ये तो मैंने आपको एक निफ्रॉन की कहानी बताई, वैसे बाकी जो निफ्रॉन्स हैं किडनी में भी, उनमें भी सेम टू सेम कहानी रिपीट हो रही होती है। समझ में आई? तो देखो, अभी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे थे, फिर हम किडनी के अंदर घुसे, अब हम क्या करने वाले हैं कि इस निफ्रॉन के अंदर घुस के देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये जो कैपिलरी से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो एग्जैक्टली कैसे निकल रहा है, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट मी रिमूव दिस एंड पुट दिस। तो ये आप देखें निफ्रॉन का मैग्निफाइड व्यू बनाया है स्टूडेंट्स मैंने ग्रीन कलर में पूरा। और निफ्रॉन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो इसमें ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बोमेंस कैप्सूल। और दूसरा पार्ट है उसका ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। तो बेसिकली निफ्रॉन के अंदर ये दो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जो निफ्रॉन है उसके अंदर ये आर्टरी का एक ब्रांच आता है, फिर वेन का भी एक ब्रांच यहाँ पे होता है और यूरेटर का भी एक ब्रांच होता है, और तीनों को मैंने रेड, ब्लू और येलो तीन अलग अलग कलर्स में रिप्रेजेंट किया था। तो वो भी अब यहाँ पे बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो लेट मी डू दैट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो येलो में आपको दिख रहा है दैट इज अ ब्रांच ऑफ यूरेटर जो फाइनली यूरिन लेके यूरेटर तक जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखो ये एक आर्टरी है, ठीक है, जैसे यहां पर ये आर्टरी आ रही थी ब्लड लेके, डर्टी ब्लड लेके, वही यहां पे डर्टी ब्लड लेके आ रही है, और ये वेन है जो क्लीन ब्लड लेके जाएगी जैसा कि यहां पे हो रहा था स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखो मैं आपको पूरा बताता हूं कहानी क्या होता है। अब ये जो रेड में है ब्लड वेसल जो डर्टी ब्लड लेके आ रही है स्टूडेंट्स, वो जब यहां पर इस बोमेंस कैप्सूल तक पहुंचती है तो बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और वापस से वो कैपिलरीज मिलके ऐसे यहां से निकलते हैं, राइट। और फिर आप देखो वापस से वो ट्यूब्यूल के राउंड जब जाती है तो फिर से कैपिलरीज में डिवाइड होती है और इस बार ये कैपिलरीज मिलके जो है वो वेन बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो कैपिलरीज यहां पर बनी इनका स्पेसिफिक नाम है स्टूडेंट्स, दैट इज ग्लोमेरुलस। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ग्लोमेरुलस। वर्ड पे ध्यान देंगे, और ग्लोमेरुलस जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, उसका प्लूरल होता है ग्लोमेरुली। अगर एक से ज्यादा ग्लोमेरुलस की बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ग्लोमेरुली,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पे क्या होता है कि ये डर्टी ब्लड जब इन कैपिलरीज से क्रॉस कर रहा होता है, मतलब ग्लोमेरुलस से पास कर रहा होता है, तो यहां पे कुछ होता है स्टूडेंट्स। इन कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके कारण ब्लड में से छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है वो निकल के बाहर आ जाते हैं। क्योंकि वो पोर्स छोटे होते हैं तो ब्लड के बड़े मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आते हैं, सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स रेड ब्लड सेल होता है ब्लड में, रेड ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड सेल्स, इनके सेल्स थोड़े बड़े होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक, तो वो तो आगे चले जाते हैं लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें कि यहां पे जो चीज बाहर आती है स्टूडेंट्स, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, उसका कलर क्या होता होगा? उसका कलर होता है ट्रांसपेरेंट। वो रेड नहीं होता है क्योंकि रेड ब्लड सेल नहीं आया स्टूडेंट्स, और उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट स्टूडेंट्स। ठीक, अच्छा, अब स्टूडेंट्स आपको शायद ये लग रहा होगा कि जो फिल्ट्रेट है वही हमारा यूरिन है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। देखो मैं आपको बताता हूं इस फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स। इस फिल्ट्रेट में होता है ग्लूकोज, इसमें होता है एमिनो एसिड, इसमें होता है कुछ सॉल्ट्स, कुछ वाटर, यूरिया, ऐसे करके बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं इसमें। अच्छा आप मुझे ये बताओ, क्या ये सारे सब्सटेंसेस आपको वेस्ट सब्सटेंस लग रहे हैं? नहीं स्टूडेंट। जैसे देखो यूरिया जो है वो तो वेस्ट सब्सटेंस है, उसको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है वो वेस्ट सब्सटेंस नहीं है। वो तो हमने पहले पढ़ा है, वो तो हमारे बॉडी के लिए बहुत काम के होते हैं, राइट? उनको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सॉल्ट और वाटर की हम बात करें तो कुछ सॉल्ट और वाटर ऐसे हो सकते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन सबको नहीं, सबको नहीं। कुछ सॉल्ट काम के भी होते हैं और कुछ वाटर भी जरूरी है बॉडी के लिए, राइट स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब कि जो यहां से निकला उसको हम फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, बट दैट इज नॉट यूरिन, क्योंकि उसमें कुछ काम की चीजें भी हैं जो हम बाहर निकालना नहीं चाहते हैं। समझ में आ रही है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये जो फिल्ट्रेट है वो इस ट्यूब्यूल से होता हुआ आगे बढ़ता है। अच्छा अब ये जब ट्यूब्यूल के इस पार्ट से क्रॉस कर रहा होता है तो वंस अगेन उसके अराउंड बहुत सारी कैपिलरीज होती है। तो यहां पे क्या होता है कि जो काम की चीजें थी, ठीक है, काम की चीजें थी, वो वापस से ब्लड के कैपिलरीज में जाने लगती है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो ट्यूब्यूल के फिल्ट्रेट से निकल के कैपिलरी के ब्लड में जाने लगता है। वही काम एमिनो एसिड के साथ भी होता है और कुछ वाटर और साल्ट्स भी वापस ब्लड में मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आई बात? और ये जो प्रोसेस है काम की चीजों का वापस ब्लड में जाने का, उसको बोलते हैं क्या? रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, काम की चीजें वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है। समझ में? तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि जब तक फिल्ट्रेट यहां तक पहुंचेगा काम की चीजें इसमें से निकाली जा चुकी हैं, तो इसमें अब सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट ही बचा है जो कि है यूरिया और कुछ वाटर और सॉल्ट या अदर वेस्ट मटेरियल जिसका नाम मैंने यहां पे नहीं लिखा है, तो वही इसमें बचा हुआ होगा। ठीक है, तो वो हमारा यूरिन है स्टूडेंट, जो यूरेटर के ब्रांच में जाएगा और फाइनली यूरेटर के होते हुए बाहर निकलेगा बॉडी से। समझ में आ रही बात? तो वंस अगेन आई रिपीट कि यहां पे बहुत सारी चीजें निकली थी फिल्ट्रेट के फॉर्म में, उसमें कुछ काम की चीजें भी थी और खराब भी चीजें थी। जो काम की चीजें थी वो वापस से ब्लड में चली जाती है यहां पे। ठीक, तो यहां पे ट्यूब्यूल में सिर्फ यूरिन यानी फालतू की चीजें बचती हैं जो यूरेटर के किसी ब्रांच में चली जाती है। समझ में आ रही बात? और यहां से जो ब्लड अब निकल रहा है उससे सारी गंदगी निकल चुकी है। इट इज क्लीन ब्लड स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि यहां पे क्या हो रहा है। बड़ा सिंपल स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल है। और यहां पे जो मैंने आपको मेन चीजें बताई है वो मैं यहां पे लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, आप उसको वीडियो पॉज करके देखें। वही चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई है आपको पूरा समझ में आएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताया। आई एम श्योर कि आपको बड़ा मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए स्टूडेंट्स।